साल 1984, ये साल भारत के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। इस वजह से देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति भी बढ़ रही थी और दूसरी तरफ 27 साल की एक लड़की साइकिल पर बैठकर जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही थी और हमेशा से दलितों को लेकर नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कौन थी वो लड़की। उस लड़की का नाम था मायावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। जयव्रत सरकार अपनी किताब पॉलिटिक्स एज सोशल टेक्स्ट इन इंडिया द बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश में लिखते हैं, मायावती साइकिल के पीछे बैठकर प्रचार करने के लिए निकलती थी। साइकिल उनके ही संगठन का कोई कार्यकर्ता चला रहा होता था। वो तय कार्यक्रम में पहुंचती थी और बेहद तल्ख अंदाज में भाषण देती थी। वो जनता से ही पूछती थी कि 40 साल के कांग्रेस राज में कौन सा दलित फला फूला, ये बताइए। इसके जवाब में जनता हाथ उठाकर कहती थी कोई नहीं कोई नहीं। उसी अंदाज में और महज 27 साल की उम्र में मायावती सीधे लोकसभा चुनाव में उतर गई। उनके सामने कांग्रेस की फौज खड़ी थी। जिस सीट से वो चुनाव लड़ रही थी उसी सीट से पूर्व डिप्टी पीएम बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार भी चुनावी मैदान में थी। मीरा कुमार बड़े राजनीतिक परिवार से आती थी, लिहाजा उन्हें सब जानते थे। लेकिन मायावती का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, ना ही चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा पैसे थे। ज्यादातर लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। उस वक्त तक बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का गठन तो हो चुका था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे पार्टी का दर्जा नहीं दिया था। इस वजह से मायावती की पहचान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थी। जोरदार चुनाव हुआ, रिजल्ट आया तो पता चला कि मायावती हार गई थी। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्हें इतने वोट जरूर मिल गए थे कि बड़े से बड़े दिग्गज ने उनका लोहा मान लिया था। दिल्ली तक बैठे लोग ये समझ चुके थे कि ये लड़की आगे चलकर बड़ा उलटफेर कर सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ठीक 4 साल बाद 1989 में इसी सीट पर मायावती ने फिर से चुनाव लड़ा और संसद तक पहुंची। फिर साल आया 1995 जब बहन मायावती पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे इतने कम समय में मायावती ने साइकिल से यूपी की सीएम कुर्सी तक का सफर तय कर लिया। तो चलिए आज आपको उनके संघर्ष की कहानी के बारे में बताते हैं, जिसे जानकर आपको उनके दमदार शख्सियत का अंदाजा हो जाएगा। एक बार फिर वापस चलते हैं साल 1984 में, जब 14 अप्रैल के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बना ली थी। पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना नहीं बल्कि दलितों का उत्थान करना था। उस वक्त 27 साल की मायावती पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर थी, लेकिन पार्टी में नंबर 2 तक आने के लिए उन्हें छोटी सी उम्र में अपना घर बार सब छोड़ना पड़ा था। काशीराम से मायावती की पहली मुलाकात इमरजेंसी के बाद दिसंबर 1977 की एक ठंडी रात में हुई थी। उस वक्त मायावती सिर्फ 21 साल की थी। हुआ ये था कि एक दिन पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मायावती ने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण पर जबरदस्त हमला बोला था। राजनारायण अपने भाषण में अक्सर दलितों को हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे। ये बात सुनकर मायावती चिल्लाकर बोली, आप हमें हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। बस फिर क्या था, रातों रात मायावती के चर्चे होने लगे। इसके अगले दिन ही रात के 11 बजे किसी ने उनके घर की कुंडी खटखटाई। मायावती के पिता प्रभु दयाल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने गले में मफलर डाले लगभग गंजा हो चला एक अधेड़ शख्स खड़ा था। उस शख्स ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं कांशीराम हूँ, मायावती को पुणे में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। मायावती उस समय अपने परिवार के साथ दिल्ली के इंदरपुरी में रहती थी। घर में बिजली नहीं होती थी, वो लालटेन की रोशनी में पढ़ रही थी। कांशीराम की जीवनी कांशीराम द लीडर ऑफ दलित्स लिखने वाले बद्री नारायण अपनी किताब में लिखते हैं, कांशीराम ने मायावती से पहला सवाल पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं। मायावती ने जवाब दिया कि वो आईएएस बनना चाहती हैं ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सके। इस पर कांशीराम ने कहा, तुम आईएएस बनकर क्या करोगी, मैं तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूँ जिसके पीछे एक नहीं दसियों कलेक्टरों की लाइन लगी रहेगी, तुम सही मायने में तब अपने लोगों की सेवा कर पाओगी। मायावती को तुरंत कांशीराम की बात समझ आ गई और वो समझ चुकी थी कि उनका भविष्य कहाँ है।
हालांकि उनके पिता प्रभुदयाल इस बात के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन फिर भी अपने परिवार को किनारे रखते हुए मायावती कांशीराम के आंदोलन में शामिल हो गई। अपनी आत्मकथा बहुजन आंदोलन की राह में मेरी जीवन संघर्ष गाथा में मायावती लिखती हैं कि एक दिन उनके पिता चिल्लाए और बोले, तुम कांशीराम से मिलना बंद करो और आईएएस की तैयारी करो वरना तुरंत मेरा घर छोड़ दो। मायावती ने ऐसा ही किया और अपना घर छोड़कर और पार्टी ऑफिस में जाकर रहने लगी। मायावती की जीवनी लिखने वाले अजय बोस अपनी किताब बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती में लिखते हैं, मायावती ने स्कूल टीचर के तौर पर मिलने वाले वेतन के पैसों को उठाया, एक सूटकेस में कुछ कपड़े भरे और उस घर से बाहर आ गईं जहां वो बड़ी हुई थी। कांशीराम लीडर ऑफ द दलित्स किताब में बद्री नारायण लिखते हैं कि मायावती ने बताया था उस समय उन्होंने कितना संघर्ष किया था और लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। उस समय एक लड़की का घर छोड़कर अकेले रहना बहुत बड़ी बात होती थी। वो किराए का एक कमरा लेकर रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए पार्टी ऑफिस में रहना उनकी मजबूरी थी। उनके और कांशीराम के बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। वो कांशीराम के लिए काफी पोजेसिव भी थी। और इसी तरह वक्त आगे बढ़ता चला गया, मायावती को पार्टी के विस्तार की कमान दी गई। इसके लिए उन्होंने जन जागरण अभियान शुरू किया। मायावती यूपी के अलग अलग जिलों में जाती, लोगों को इकट्ठा करती, उनसे बात करती और पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करती थी। उस वक्त तक बसपा ने चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। तभी तो बड़ी घटनाएं घटी, पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और दूसरी बिजनौर के कांग्रेस सांसद गिरधारी लाल का निधन। उस वक्त बसपा का जन जागरण अभियान बिजनौर की तरफ चल रहा था। कांशीराम ने इसे सुनहरे मौके की तरह देखा और उपचुनाव में मायावती को उतारने का मन बना लिया। उस वक्त पार्टी तो बन चुकी थी लेकिन आयोग में रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, लिहाजा मायावती ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि बिजनौर की सीट आरक्षित थी, लेकिन फिर भी उनकी लड़ाई आसान नहीं थी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व डिप्टी पीएम जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को मैदान में उतारा। जगजीवन राम उस वक्त दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता थे। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने रामविलास पासवान को प्रत्याशी बनाया। पासवान को मुलायम सिंह यादव और शरद यादव का समर्थन था। मीरा कुमार पहली बार चुनाव में उतरी थी, लेकिन उन्हें जगजीवन राम की बेटी होने का सीधा फायदा मिल सकता था। वही रामविलास पासवान बिहार के हाजीपुर की सुरक्षित लोकसभा सीट से 1977 में ही सांसद बन चुके थे, इसलिए उन्हें भी हर कोई जानता था। चुनाव की शुरुआत में इन दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब बहन मायावती भी पहली बार मैदान में थी। उन्हें कोई जानता भी नहीं था, लोगों ने उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं था। बिजनौर की जनता को पता ही नहीं था कि इन दोनों चुनावी दिग्गजों के बीच कोई मायावती भी है जो साइकिल से गांव-गांव घूमकर खुद के लिए वोट मांग रही है। बहन जी नाम से किताब लिखने वाले अजय बोस अपनी किताब में लिखते हैं, मायावती अपने भाषणों में कांग्रेस के खिलाफ अच्छा खासा माहौल तैयार कर रही थी। वो लोगों से पूछती थी कि देश में हुए पहले चुनाव के बाद से हर चुनाव में 95% दलितों ने कांग्रेस को ही वोट किया है, लेकिन क्या कभी भी एक भी मुख्यमंत्री दलित वर्ग का चुना गया? भीड़ भी चिल्लाते हुए बोलती थी, आप ठीक कह रही हैं, कांग्रेस ने हमें मूर्ख बनाया है। उस वक्त बहन जी के तल्ख भाषणों का असर ये हुआ कि भीड़ उनके पक्ष में बोलने लगी थी, उन्हें पहचानने लगी थी। ये खबर दिल्ली पहुंची तो कांग्रेस का नेतृत्व टेंशन में आ गया। दिल्ली से कांग्रेस के प्रचार में बड़ी टीम आ गई। यूपी में उस वक्त सीएम कांग्रेस से ही वीर बहादुर सिंह थे, वो खुद चुनाव प्रचार में पहुंचकर मोर्चा संभालने लगे। जहां जहां बहन मायावती ने प्रचार किया उन्हीं हिस्सों में 3 दिनों तक सीएम साहब को जनसभाएं करनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस चुनाव को हारना नहीं चाहती थी। आखिरकार चुनाव हुए, जनता ने बंपर मतदान किया और अपनी पसंद के नेता को वोट दिया। कांग्रेस की मीरा कुमार पहले नंबर पर रही, उन्हें 1,28,000 वोट मिले थे। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 1,22,000 वोट मिले। और तीसरे नंबर पर रही बहन मायावती, जिन्होंने अकेले अपने दम पर बड़ी संख्या में वोट काटे और अपने पाले में 61,506 वोट लाने में सफल रही। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उनकी इस हार की चर्चा भी देश के कोने कोने तक हुई। इसके 4 साल बाद इसी सीट पर मायावती दोबारा प्रत्याशी बनी और इस बार उन्हें रिकॉर्ड जीत मिली। बहन जी को तब 1,83,189 वोट मिले और वो 8,879 वोटों से जीतकर पहली बार सांसद बनी।
इसके बाद तो मानिए मायावती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1995 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद वो चार बार यूपी के सीएम पद पर काबिज हुई। तो ये थी मायावती की पूरी जीवनी। फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।